क्या बनता है, अभी अपन आ गया इधर तो सब लोग टिका के बैठे ले है ना अपनी तशरीफ, तो सभी लोग खोल ले अपनी बुक मैथ की। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर की तो बाद में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स ये ऐसी चीज़ है जिसने सदियों से दिमाग की भुर्जी पाला करके रखी, अंडे की भुर्जी, ठीक है ना। तो हर लड़के को उसी के बीच जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर मैथमेटिक्स होता क्या है, क्या मतलब इसके शब्द का मतलब है। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का इतिहास। अब आपको हम बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स है क्या, ये क्या है। अरे ये ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी से सुखों का डिवीज़न करती है, दुखों का मल्टीप्लिकेशन करती है और खुशियों का सब्सट्रैक्शन करती है, फिर दुखों का एडिशन भी करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर जिसने कई सालों से कई लोगों की सब कुछ ही किया है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब लोगों की सब हिसाब से की। चलिए हिसाब लेते हैं फिर। मैथमेटिक्स ये वर्ल्ड क्या होता है, इसका जवाब हमें देंगे हमारे गणितज्ञ उर्फ कोको, कोको नाम है इनका। तो आइए ये हमें बताते हैं कि मैथमेटिक्स होता क्या है। मैथमेटिक्स टिक्स मीन्स कीड़े, ठीक है ना, कुत्ते की पूंछ में टिक्स हुए तो क्या होगा। मेरे हिसाब से पूंछ में टिक्स कहेंगे सर। और अगर कुत्ते की पीठ में टिक्स हुए तो क्या होगा सर, उसको पीठ में टिक्स कहेंगे सर। हाँ सर। कुत्ते के माथे में टिक्स यानी कीड़े हुए तो क्या बोला जाएगा, माथे में टिक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रकाश मिश्रा और मैं हूँ आपका नया फिजिक्स टीचर। तो अगर आप लोग को कभी भी कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो फिजिक्स में, प्लीज़ मुझसे मत पूछना। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक रूल्स, और हम लोग तो नॉर्मली बेसिक्स रूल्स की बात करते हैं। तो पहला लॉ ये कहता है एवरी एक्शन एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लाइक अगर मैं आपको चाटा मारूंगा तो आप दूसरी साइड गिरेंगे, और अगर मैं आपके चाटा मारूंगा तो आप दोनों का सर लड़ जाएगा। तो और जब सर लड़ेगा तो जो मोमेंटम आप दोनों का ऐसे, इसका तो स्टडी है, ठीक है, ये आया झापड़ खा कर धाए तो दोनों लोग रिपेल करोगे, ठीक है। ये आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी जानेंगे। और हम लोग क्या बात करते हैं, हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेटर, ठीक है। अरे यार सुनो, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू पेनिट्रेशन, ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद ठीक है अपन लोग, और सुनो इस बार बहुत इजी कोर्स होने वाला है, चैप्टर अपन बहुत कम करेंगे क्योंकि इस बार कोरोना के चक्कर में काफ़ी कम चैप्टर्स आएंगे अपने। तो अपने चैप्टर आ रहे हैं ये 1 से लेके चैप्टर 20 तक, यूटी फर्स्ट में इतने चैप्टर आएंगे। और डोंट वरी, दिस ऑल अबाउट योर चैप्टर, आई एक्सप्लेन इट वेल, आई होप सो। सो इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। सर क्वेश्चन ये है सर कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सर करंट, मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर पूछनी है, मतलब किस तरफ होता है। और सर लीनियर मोमेंटम सर हमारा सेम होगा तो फिर सर मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड सर इसका कंजुगेटल फोर्स सर क्या होगा, सर आप प्लीज इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए सर। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। 2000 years later. योर क्वेश्चन इज रियली वेल, ओके, मैं उम्मीद ही कर रहा था ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास से आएगा, बट तुम प्लीज मेरे को बताओ कि इसका आंसर मुझे क्या होता। हाँ, मुझे तुम ये बताओ कि इसका आंसर तुम्हारी तरफ से क्या होना चाहिए। सर मेरे हिसाब से मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। वाह मेरे बेटे वाह, मैं ऐसा आंसर की उम्मीद तुम्ही से कर रहा था। प्राउड ऑफ यू माय सन, प्राउड ऑफ यू। ऐसे क्लास में बने रहा करो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन तुमने पूछा, दिस इज द इजीएस्ट वन, ठीक है। होमवर्क कंप्लीट चाहिए अपन इस बार, यूटी फर्स्ट में 1-20 चैप्टर आएंगे, तो 10 चैप्टर्स के नोट्स मुझे कल चाहिए, कैसे कराना है तुम्हें और वो तुम जानो। मुझे इसके फोटोकॉपी नहीं चाहिए, जेरोक्स नहीं चाहिए, मुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिसका मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस अपने ऑफिस में खड़ाऊँगा, मन की बात है, बस आप लोग मुझे नोट्स दीजिएगा, दैट्स ऑल, थैंक यू। अरे सर इतनी खुशी सर कहीं नहीं मिली।
ग्राम इंच को जी से डिनोट करेंगे, स्पीड और टाइम से और अरे शुक्ला जी राम राम। नहीं वो सब तो ठीक है जी। ये हमारा पीरियड है ना, सेकंड पीरियड चल रहा है। मिश्रा जी किसका पीरियड होता है सेकंड? मैथ्स। हाँ तो आप जा सकते हैं पढ़ाने दो यार बच्चों को। हाँ दो फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इग्नोर मानो, डिस्प्लेसमेंट को एस से करते हैं, वेलोसिटी को वी से और ग्राम को जी से, स्पीड का मेरे को याद नहीं कल बताऊंगा, और टाइम को टी से करते हैं। हम लोग साथ साथ पढ़ाते हैं। फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से जो कि होती है आई की मां का, और डिस्प्लेसमेंट होता है आई से, और टाइम होता है कितने टाइम में हम लोग। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरी एक नई वीडियो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो Don't forget to subscribe our channel, and make sure you should press the bell icon and like the video, share it as much as possible, and enjoy your night. Thank you guys, bye bye.